प्रभारी जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल के सदस्यों ने शनिवार को मंडलीय कारागार का रूटीन चेकिंग किया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित सेल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी ने बताया कि जेल की व्यवस्था बेहतर है, भोजन तथा साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है। डीएम ने बताया कि कुछ विदेशी नागरिक भी जेल में बंद हैं। डीएम ने बताया कि जेल में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या है, जिसको देखते हुए 4 और बैरक बनवाए जा रहे हैं। डीएम ने बताया कि जेल में बंद महिला कैदियों के साथ करीब 12 बच्चे भी हैं, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया। महोदय और कप्तान साहब और हम लोग तो हर 3 महीने के एक बार रूटीन निरीक्षण कराना होता है, उसी हिसाब से हम लोग निरीक्षण किए थे। सही चीज़ तो मतलब ठीक ठाक पाया गया है, वैसे भोजन ठीक ठाक मिल रहा है और साफ़ सफाई भी ठीक है। अंदर 4 बैरक बन रहा है और यहाँ जो बस जगह का अभाव है, यानी जो 2000 के आसपास के कैदियाँ हैं बट रुकने के लिए उन लोगों की जगह कम है। हम शासन को भी लिख रहे हैं उसको, तो और भी बैरक का ज़रूरत पड़ेगा और बाकी सुविधा तो ठीक है। सर, विदेशी कैदी है? हाँ, विदेशी कैदी 2-3 लोग हैं। ऐसे एक महिला तो थाईलैंड का है, वो रिहा हो चुकी है सजा काटने के बाद। एक तो जर्मन का एक आदमी है, वो भी सजा काट रहा है। वो अभी तो 5 साल उनका सजा हो गया, 5 साल अभी बाकी है। और नाइजीरिया का एक कैदी है, उनका बेल नहीं मिला है। ये तो 3-4 और 2-3 कैदी हैं, उन लोग का भी विचाराधीन चल रहा है। जो किसको जो रिहा हो रहा है उन लोग को छोड़ रहे हैं हम लोग। महिलाओं साथ बच्चे भी करीब 12-13 बच्चे हैं, उन लोगों को दूध का हम लोग व्यवस्था कर रखा है, फिर पढ़ाई का व्यवस्था है। हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं उन लोग का रिहा हो जाए, ताकि जो बच्चे क्यों बेवजह सजा काटना है। हम प्रयास कर रहे हैं, जज साहब के साथ हम लोग निवेदन किए, जो जल्दी से जल्दी उन लोग बेल आउट हो जाए। कम से कम जो बच्चे के साथ कितने जो लोग हैं, महिला है, उन लोग का हो जाएगा जल्दी।